सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का मेरा लेक्चर नंबर 10 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में मैंने हेक्सागोनल नट के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज नट्स के सेकेंड टाइप स्क्वायर नट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज स्क्वायर नट्स पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्क्वायर नट होता क्या है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर नट का मींस हो गया कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर नट कुछ अगर मैं उसका 3D व्यू बनाऊं तो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। Like this. और एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा इसका, इसे हम चैम्फरिंग का सर्किल भी बोलते हैं। और एक सर्किल आ जाएगा इसके सेंटर में जो थ्रोट टू होल होगा, और इसमें यहाँ पर थ्रेड आ जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज कॉल्ड अ चैम्फर, चैम्फरिंग पार्ट। ऑलराइट, देन यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं इसकी डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो इसको माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं साइज अक्रॉस द कॉर्नर्स। ये दो कॉर्नर्स हैं, इन दोनों के बीच की जो साइज होगा इसको हम ए बाय सी से भी डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू ए बाय सी की वैल्यू होती है, वैसे अगर हम बताएं थ्योरेटिकली तो √2W। मीन्स W को हम इसको हम ए बाय एफ साइज अक्रॉस द फ्लैट, साइज अक्रॉस द फ्लैट इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.5D प्लस 3 mm होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लगभग हम 2D भी ले लेते हैं, लगभग 2D भी ले लेते हैं। और लेट स्टूडेंट्स, देन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मालूम होगी। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करूँ, मीन्स साइज अक्रॉस द फ्लैट, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी दिस ए एफ साइज अक्रॉस द फ्लैट, इसकी वैल्यू होती है 1.5D प्लस 3 mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन चलिए अब इसका एलिवेशन प्लान और टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले एलिवेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्लान भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सेंटर लाइन ले लेते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम इसका प्लान ड्रॉ करें तो हमें इजी पड़ जाएगा थोड़ा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले हम प्लान ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, देन अब अगर हम देखें तो एक चैम्फरिंग के सर्किल को अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमें इजी पड़ जाएगा। तो इस चैम्फरिंग का जो सर्किल है वो है 1.5D प्लस 3, देन 1.5D प्लस 3 mm। सपोज दैट इफ डी इक्वल्स टू 20 mm, देन ए बाय एफ मीन्स साइज अक्रॉस द फ्लैट इज 1.5 × 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 33 mm। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको
16.5 mm की डिस्टेंस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। स्टार्टिंग में एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये सर्कल हमारा चैम्फरिंग का सर्कल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन नाउ अब हम इस पॉइंट से, यहाँ से स्पर्शी टेंजेंट स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ये दोनों 45 डिग्री पर बने हुए हैं, 45 डिग्री पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम 45 को लेंगे कैसे, यहाँ से हम टेंजेंट खींच देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। राइट, अगेन हम टेंजेंट यहाँ से भी खींचते हैं लाइक दिस। अगेन एक टेंजेंट यहाँ से खींचते हैं लाइक दिस, 45 डिग्री पे अगेन टेंजेंट हम यहाँ खींचते हैं लाइक दिस। और डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी डिस्टेंस आएगी, ये आ जाएगी 1.5 D + 3 mm। राइट, देन अब हम जितना हमारा डी दिया हुआ है, डी इज द डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, देन उसका हाफ करके 20 है तो 10 लेकर आपका प्रोटेक्टर में हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द इंटरनल सर्कल ऑफ नट। नाउ अगेन, जैसे हमने हेक्सागोनल नट में खींचा था 0.8 D मीन्स 16 mm, तो 8 mm चलकर एक और सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये थ्रेडिंग का सर्किल है लाइक दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब मैं जल्दी से प्रोजेक्शंस लाइन ले जाता हूँ और इसका एलिवेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक बेस में लाइन ले लेता हूँ। ऑलराइट, देन अब जो हम इसकी हाइट लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो हाइट हमारी होगी दैट इज अ थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्क्वायर नट इज 0.8 D, से डी हम ले सकते हैं। तो हम डी हाइट ले लेते हैं। डी हाइट हमने ऊपर उठा लिया, इधर से भी डी हाइट ऊपर उठा लिया और यहाँ पर हम प्रोजेक्शंस लाइन ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम जितने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसका सेंटर लेकर लाइक दिस एंड लाइक दिस। जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उतना यहाँ से पीछे आकर इस सेंटर लाइन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से मीन्स लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस कंपास में भर के इस पॉइंट से पीछे आकर और आप एक आर्क क्रिएट कर दोगे लाइक दिस। एंड अगेन लाइक दिस। लास्ट में हम इन दोनों पॉइंट्स पर एक डार्क लाइन ले लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो दिस इज अ प्लान, दिस इज द एलिवेशन. नाउ अब हम इसका एक और व्यू बनाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर हमारा नट, स्क्वायर नट को अगर मैं इस तरीके से घुमा दूं, मींस अगर ये हमारा नट इस टाइप से हो जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका प्लान और एलिवेशन कैसे होगा? तो वेरी इजी. अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अगेन प्लान ड्रॉ करते हैं. यहां पर हमारे इसके टू व्यूज बनेंगे. दिस इज द सेंटर लाइन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब हम जितनी ये डिस्टेंस थी, दिस इज अ डब्ल्यू और ए बाय एफ साइज अक्रॉस फ्लैट. स्टूडेंट्स देन साइज अक्रॉस ऑफ फ्लैट मीन्स 33 mm का हाफ लेकर हमें इस सेंटर पॉइंट से ऊपर चलना है और नीचे चलना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मीन्स इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया. तो ये भी ऑब्वियसली दिस इज द 1.5D प्लस 3, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो. देन 1.5D प्लस 3 का हाफ हम ऊपर चलते हैं. एक प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन सॉरी. अगेन हाफ करके हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, मीन्स 16.5 mm. अगेन 16.5 mm हम इधर चलते हैं, सिंपल. एंड 16.5 हम इधर चलते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक और सिंपल है तरीका. आप क्या करें, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लें चैम्फरिंग का 16.5 का, जैसा हमने इस वाले केस में करा था. तो आप सबसे पहले एक चैम्फरिंग का सर्किल क्रिएट करें, 16.5 का सर्किल आप ड्रॉ करें, फिर 16.5 का एक सर्किल ड्रॉ करें. देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, दिस इज अ सेंटर लाइन. एक सर्किल आपने ड्रॉ किया फर्स्टली 16.5 का रेडियस का, दिस इज आर रेडियस. देन इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट एंड इस पॉइंट से टेंजेंट. ऑटोमेटिकली आपका ये स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एज यू विश, आप चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए. देन सेंटर में डी डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. डी डायमीटर का सर्किल, दिस इज द डी डायमीटर सर्किल. ऑलराइट, एंड 0.8D अंदर आकर हम एक थ्रेड का सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, इसमें यहाँ पर हमें डॉटेड लाइनें और दिखानी है. यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी, दिस इज द सर्किल, मीन्स थ्रॉड टू होल है और 1 mm का अंदर हमारा थ्रेडिंग की डॉटेड लाइन आ जाएगी. ऑलराइट, देन अब हम प्रोजेक्शंस ले जाते हैं. ये हमारा प्लान क्रिएट हो गया है. अब हम इसका एलिवेशन बना रहे हैं,
हाइट अगेन, हाइट इसकी एज इट इज रहेगी 0.8 डी, से डी तक हम ले सकते हैं दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। देन अब इस पॉइंट से आपको एक रेडियस लेना है, दिस इज द चैम्फरिंग रेडियस, आर इक्वल्स टू 2D। तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से 2D पीछे आकर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2D पीछे आकर, 2D पीछे आकर इस पॉइंट से पीछे कंपास को लेकर यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क लगा देना है लाइक दिस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन दिस डिस्टेंस इज 1.5 डी, डब्ल्यू और अक्रॉस साइज अक्रॉस अ फ्लैट इक्वल्स टू 1.5 डी प्लस 3 mm, एंड हाइट इज हाइट इज 0.8 डी टू डी, दिस इज दिस लेंथ इज 1.5 डी प्लस 3 mm। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एलिवेशन है फ्रंट व्यू, एलिवेशन, दिस इज द प्लान। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऑलराइट यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन लाइन लूँ तो यहाँ एक सर्किल की डॉटेड लाइन हमारी छूट गई थी दिस वन, एंड थ्रेडिंग की 1 mm इधर और 1 mm इधर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्क्वायर नट के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।